सभी मेरे किसान भाई, पशुपालक भाई, डेयरी फार्मर्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पशु उपचार एनिमल ट्रीटमेंट में। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि लंपी बीमारी में जो लोग देसी इलाज के रूप में सिंदूर दे रहे हैं, अपने पशु को खिला रहे हैं, यानी कि लेट पॉइजनिंग, हिंदी में बोले तो सीसा की जो पॉइजनिंग होती है, और सिंदूर क्या है, ये वही सिंदूर है जो हम पूजा में उपयोग करते हैं। इसकी पॉइजनिंग की वजह से पशु बीमार, काफ़ी बीमार, और बीमार के बाद उसकी मौत भी निश्चित हो जाती है, क्योंकि ये हैवी मेटल्स की श्रेणी में आता है। लेट पॉइजनिंग यानी कि सिंदूर खिलाने से आपके पशु को क्या क्या नुकसान होता है भारी मात्रा में, और यदि आपका पशु दुधारू है तो उसकी मौत भी निश्चित हो जाती है, तो उससे आपको डबल आर्थिक नुकसान होगा। कभी कतई ऐसा ना करें कि अपने पशु को सिंदूर खिलाएं किसी भी अफवाह में आकर। आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको पशु उपचार और एनिमल ट्रीटमेंट से संबंधित सारी जानकारी समय समय पर मिलती रहे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो की शुरुआत करेंगे लेट पॉइजनिंग। लेट पॉइजनिंग का मतलब है सीसा। सीसा मतलब कि सिंदूर, वही सिंदूर जो हम पूजा में उपयोग में लेते हैं। कुछ अफवाहों के कारण क्या हो रहा है कि लोग जो है सिंदूर को लंपी से बचाने के लिए रोटी में या किसी भी चीज़ में डाल के अपने पशु को खिला रहे हैं। इसकी वजह से क्या होता है कि उस दिन तो पता नहीं चलेगा, पर 12 से 24 घंटे बाद, यानी कि 24 घंटे बाद उसको नर्वस सिस्टम से संबंधित सारे लक्षण जो है प्रकट हो जाएंगे। पशु चल नहीं पाएगा, पशु खड़ा खड़ा लड़खड़ाएगा एक ही जगह पर, उसके पैर ऐसे चौड़े करके खड़ा रहेगा, और सबसे बड़ा एक जो लक्षण होता है सिंदूर यानी कि लेट पॉइजनिंग के अंदर, वो होता है अंधापन। पशु को जो है दिखना बंद हो जाएगा पूरी तरह से। तो ये जो है इसके प्रमुख लक्षण है, और साथ साथ में भारी मात्रा में मुंह से लार निकलेगी, और लार इतनी निकलेगी कि इसको मतलब कि डायग्नोस करना, इसको पहचानना भी मुश्किल होता है कि इसको आखिर लंपी है या फिर कोई और बीमारी है या फिर पागल हो गया है या आखिर किस वजह से लार आ रही है, ये भी पहचान करना मुश्किल हो जाता है। पर सबसे बड़ा आसान काम है इसको लक्षण को, इसको पहचानना कि इसने सिंदूर खाया है, वो ये है कि पशु जो है झटके मारता है, मिर्गी टाइप डोरे पड़ते हैं, आँखें और उसकी पलकें बार बार झटके मारती है, पूरा पशु ज़मीन पर लेटकर उसके चारों हाथ पैर से उसको झटके मारना, यानी कि इसका मेन लक्षण है, इसको आसानी से पहचान में आ जाता है। तो ये है इसके लेट पॉइजनिंग के लक्षण। और सबसे दूसरा जो बड़ा नुकसान मैंने अभी वीडियो में बताया है कि पशु की मृत्यु ही इसका एकमात्र, अगर समय पर उपचार नहीं हुआ उचित तो इसकी मृत्यु निश्चित है। अब इसका उपचार कैसे करें, कि मात्र एक ही एंटीडोट है जो ह्यूमन यानी कि इंसानों की दवा के रूप में इंजेक्शन मिलता है मेडिकल पर आसानी से। इसका नाम है इंजेक्शन का कैल्शियम डाई सोडियम एडिटेट। कैल्शियम डाई सोडियम एडिटेट आप समझिएगा, इस स्क्रीन में आप फोटो में देख रहे हैं, यहाँ पर इस कैल्शियम डाई सोडियम एडिटेट का डोज कितना है, तो डोज ध्यान रखिए 100 mg प्रति kg, यानी कि 100 किलोग्राम पर आपको कितना डोज देना है, 100 mg प्रति kg, यानी कि 1 किलोग्राम पर 100 mg देना है। पशु की जो औसत जो वज़न होता है वो होता है 300 किलो। 300 किलो से भैंस जो होती है 400 किलो तक की होती है, यानी कि गाय के अंदर आपको 3000 mg देना है। 3000 mg जो भी आप मेडिकल से इंजेक्शन लेंगे तो वहाँ पर ये अलग अलग mg के फॉर्म में मिलेगा। आप इतना कैलकुलेट करके जाइएगा मेडिकल पर कि मुझे 3000 mg चाहिए, और 3000 mg को कैसे लगाना है। इसको आप इंट्रामस्कुलर लगा सकते हैं, इंट्रामस्कुलर के साथ साथ इसको सबकट लगा सकते हैं, और साथ में इंट्रावेनस भी दे सकते हैं। जब भी आपको इस तरह का कोई केस मिलता है लेट पॉइजनिंग यानी कि सिंदूर जिस पशु ने खा लिया है और इस तरह का लक्षण है, तो आप एक काम कीजिए, 3000 mg यानी कि मेडिकल पर ये 10 ml और 20 ml में आसानी से उपलब्ध हो जाता है। 10 ml की अगर बात करें तो 10 ml में 150 mg प्रति बॉडी वेट के हिसाब से भी मिल रहा है, यानी कि आपको कम से कम 3 वायल यानी कि 30 ml लगाना पड़ेगा। और यदि ऐसा वायल मिल गया आपको कि जिसके अंदर 10 ml के अंदर 3000 mg है, तो 10 ml सफिशियंट होगा। समझिएगा इस डोज को, डोज जो है आप रिपीट वापस से वीडियो को सुन लीजिएगा, क्योंकि डोज ओवर भी नहीं होना चाहिए और अंडर यानी कि कम भी नहीं होना चाहिए। करना क्या है कि अगर जब भी आप IV दें तो प्लेन डेक्सट्रोज यानी कि वॉक्ट्रोज, प्लेन डेक्सट्रोज के अंदर उसको मिलाकर पशु को लगाएं, और अगर इंट्रामस्कुलर लगा रहे हैं तो इससे कोई दिक्कत नहीं है, CPM ज़रूर लगाए। साथ में एक काम और करना पड़ेगा, क्योंकि जब पूरी तरह से नर्वस सिस्टम डैमेज हो जाता है इस लेट पॉइजनिंग की वजह से, तो विटामिन B1 जहाँ पर न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है वहाँ पर आप नर्वस सिस्टम से संबंधित विटामिन B1 का इंजेक्शन बोतल के अंदर डालिए। अगर बोतल अगर नहीं चढ़ा रहे हैं आप, तो कम से कम 15 ml
उसको डीप इंट्रामस्कुलर लगा के अच्छी मालिश करवाइए। अदर कोई भी एंटीबायोटिक फालतू चीज़ें देने की ज़रूरत नहीं है, कोई CPM मेलोक्सीपेरा भी नहीं देने की ज़रूरत है, केवल कैल्शियम डाई एसीटेट एडिटेट देंगे आप, कैल्शियम डाई सोडियम एडिटेट देंगे, चक्कर आ रहे हैं वो सारी चीज़ें बंद हो जाएगी। हाँ, पशु जरूर लड़खड़ा ही तय रहेगा और उसको आँखों में जो अंधापन आया है उसके लिए कम से कम उसको 3 दिन तक, इस इंजेक्शन का 3 दिन तक यूज़ करना है और 3 दिन तक यूज़ करेंगे तो पशु पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। समझिएगा, जब पशु के आँखों की रोशनी एकदम से कम रहे तो विटामिन ए के इंजेक्शन का भी उपयोग कीजिए और साथ साथ में डेक्सट्रोज 1 लीटर ज़रूर उसको IV दीजिए ताकि उसके पशु के आँखों की रोशनी लौट आएगी, जिससे पशु को ग्लूकोज मिलेगा, विटामिन ए मिलेगा साथ में और डेक्सट्रोज मिलेगा। एक डेक्सट्रोज कौन सी D25 यानी कि 25% ये आपको नस में लगाना है। कैल्शियम डाई सोडियम एडिटेट जो है ये भी इस बोतल के अंदर मिलाना है। अगर आप बोतल नहीं लगाना चाहते, आपके पास बोतल उपलब्ध नहीं है, तो इसको डीप इंट्रामस्कुलर लगा दीजिए इंजेक्शन को, साथ में मल्टीविटामिन या न्यूरोकाइन इंजेक्शन या मिकोल कोबालेमिन का इंजेक्शन ये लगा दीजिए। मान के चलिए कि आपका जो है आपका ट्रीटमेंट ऐसा मैजिक जैसा काम करेगा, आप पशुपालक भी समझेंगे कि ये इन्होंने ऐसा क्या जादू किया, दूसरे पशु चिकित्सक जो भी इलाज करने वाला है उनसे इतना फ़र्क नहीं पड़ा, पर ये इतना एकदम से फ़र्क पड़ गया है, इन्होंने ऐसा क्या इलाज करा। क्योंकि जब आप अच्छे से डायग्नोस, मेरे वीडियो बनाने का एकमात्र उद्देश्य है कि जब आप अच्छे से डायग्नोस कर पाएंगे तो ही आप अच्छा इलाज कर पाएंगे। अगर आपका डायग्नोसिस अच्छा नहीं है तो आप इलाज भी इतना अच्छा नहीं कर पाएंगे। जितना आप पशु को जितना अच्छी डायग्नोसिस करेंगे उतना ही अच्छा इलाज कर पाएंगे। हमेशा याद रखिए मेरे एक ही चीज़ को, पशु हमेशा एक मुख प्राणी पशु है, उसकी सेवा कीजिए और सेवा करेंगे आप तो ऊपर वाला जो है भगवान हमेशा आपको दुगनी उन्नति देगा। तो वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखिए कि लेट पॉइजनिंग यानी कि सीसा पॉइजनिंग, सिंदूर पॉइजनिंग का एकमात्र यही इलाज है, इसके अलावा कोई इलाज नहीं है। कोई भी फालतू एंटीबायोटिक मत दीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।